हेलो डियर व्यूअर्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, फ्रॉम वेरी फर्स्ट इस चैनल पर आप लोगों को बता दिया गया था कि हम लोग आपके सारी सब्जेक्ट्स ही वीडियोज लेके आने वाले हैं। तो आज से हम लोग हाई स्कूल की मैथमेटिक्स या 10th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। इसमें से आप लोग का पहला जो टॉपिक है वो ये है रियल नंबर्स, इसको हिंदी में हम लोग वास्तविक संख्याएँ कहते हैं। आप लोगों को वास्तविक संख्या के बारे में क्लास 9th में बहुत सारे अच्छे तरीके से बताया गया है, क्या होती है, नंबर लाइंस क्या होती हैं, कैसे संख्याओं को उस पर लिखते हैं। लेकिन फिर भी एक बार हम लोग यहाँ पर उसका एक आइडिया लेंगे, क्या होता है नंबर लाइन, क्या होती है वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले, चूँकि ये इस तरह अभी जो कोरोना महामारी फैल रही है उसके कारण आप लोगों के सिलेबस में 30% सिलेबस जो है वो NCERT ने माइनस किया हुआ है, जिसमें से ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर है, रियल नंबर का जो पहला टॉपिक जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कहते हैं हिंदी में, ये आप लोगों के सिलेबस से लेस कर दिया गया है। तो इस चीज़ को हम लोगों को नहीं पढ़ना है। बाकी जो तीन चीज़ें हैं, ये तीन चीज़ें हमें पढ़ना है, जिसमें पहली चीज़ है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कि गणित की, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। दूसरी चीज़ है रिविस्टिंग इरेशनल नंबर, आप लोगों को क्लास 9th में रेशनल और इरेशनल नंबर यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पढ़ाया गया है, क्या होती हैं और उनको कैसे प्रूव किया जाता है, क्योंकि इस सिलेबस में भी कुछ थोड़ी चीज़ें हैं जो कि हम लोग देखेंगे। तो दूसरा टॉपिक ये है आपका कि रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स क्या होती है, इरेशनल नंबर्स। तीसरा जो टॉपिक है, इनफैक्ट ये चौथा है, लेकिन चूँकि जो पहला टॉपिक हटा दिया गया है यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसके आधार पर ये तीसरा है कि रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशंस, यानी जो रैशनल नंबर्स हैं, परिमेय संख्याएं हैं, उनका हम दशमलव प्रसार देखेंगे कि उनका जो दशमलव प्रसार अगर हिंदी में कहें तो शांत अशांत होता है, यानी कि। तो आगे हम देखते हैं यहाँ से कि फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक्स क्या होती है, अर्थमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम जो आधारभूत प्रमेय है जिस पर अर्थमेटिक आपकी वर्क करती है वो क्या होती है। तो इसमें चूंकि कुछ टर्म्स यूज होंगे, फंडामेंटल थ्योरम जो आपके अर्थमेटिक है, इसको अगर हम सरल शब्दों में कहें तो ये, अगर हम सरल शब्दों में इसको कहें तो हम कह सकते हैं कि जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं यानी भाज्य संख्याएं जो होती हैं उनका जो फैक्टर हम लिखते हैं उसको हम अभाज्य संख्याएं के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या मीन्स प्राइम नंबर, यानी जो कंपोजिट नंबर्स हमारी होती हैं उनको हम प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में लिख सकते हैं। ये आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है, मेनली यही है, ठीक है। और ये जो होता है, जो आपका फंडामेंटल थ्योरम होती है, इसमें जो हम फैक्टर करते हैं उसके क्रम का कोई मतलब नहीं होता है, इसीलिए एक लाइन इसमें होती है कि इसका क्रम जो है यूनिक होता, अद्वितीय होता है। अगर हम फैक्टर कर रहे हैं मान लीजिए 6 का, तो 6 का जब फैक्टर करेंगे तो 6 के लिए हम लिखते हैं 2 और 3, 2 × 3, ठीक। तो 2 × 3 लिखेंगे, अगर हम जनरल लिखते हैं कि 2 × 3, ये क्या होता है, ये 6 का फैक्टर होता है। अगर हम इसको 3 × 2 लिख दें तो भी ये 6 ही होगा, ये 8 नहीं हो जाएगा, ये 6 ही होगा, ठीक है। तो इसमें जो है ये ऑर्डर का यानी क्रम का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक। चाहे हम 2 × 3 लिखें, चाहे 3 × 2 लिखें, उसमें ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता है, यही कहने का मतलब है जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स आपकी कहती है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स में कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम जान लेते हैं, जिनकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे नंबर एक, सबसे पहली चीज़ है भाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, सॉरी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होती हैं, नंबर एक पहली चीज़ जो है वो है प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को हिंदी में हम अभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरे नंबर पर आएगी आपकी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर जिन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। तीसरे नंबर पर आपके आएंगी को प्राइम नंबर, यानी हम सह अभाज्य संख्याएं इन्हें हिंदी में कहते हैं, को प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होती हैं, प्राइम नंबर्स दो ऐसी संख्याएं होती हैं जो अपनी यानी खुद की, खुद से, जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं 2, तो 2 अपने आप से यानी 2 से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। 2 अपने यानी 2 से और 1 से डिविजिबल है, यानी प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जो 1
और स्वयं से खुद से कटें यानी डिवाइड हो जाएं, वे संख्याएं प्राइम नंबर होती हैं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 2, 3, 5, 7 और बहुत सारी संख्याएं हैं। जैसे अगर हम बात करें 7 की, 7 की, तो 7 जो है खुद से यानी 7 से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है, केवल 2 नंबर से डिविजिबल है, तो ये प्राइम नंबर होगा। लेट से अगर हम बात करते हैं 8 की, अगर यहीं पर हम 8 की बात करें, अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आए कि 7 है 8 क्यों नहीं है, तो ये जो प्राइम नंबर होती हैं इनमें जो इनका बेस फैक्टर होता है वो होता है डिवाइड करना। तो 8 जो है 2 से डिवाइड हो सकता है, 1 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है और 8 से यानी खुद से डिवाइड हो सकता है। तो 8 के फैक्टर हमें मिल गए 4, 1, 2, 4 और 8, जबकि प्राइम नंबर जो हैं अभाज्य संख्याएं जो हैं वो केवल अपने आप से और 1 से डिवाइड होती हैं। तो ये 8 क्या है, ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए ये 8 जो है आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। अब बात करते हैं हम कंपोजिट नंबर्स की, यानी इसको हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो ऐसी संख्याएं जो प्राइम नहीं हैं, जो प्राइम नहीं हैं वो सारी संख्याएं कंपोजिट हैं। अगर हिंदी में कहें तो जो संख्याएं भाज्य नहीं हैं वो अभाज्य हैं, ठीक, ये हुआ। यानी अगर संख्या जो है वो भाज्य नहीं है तो अभाज्य होगी। इसके ठीक रिवर्स अगर हम बात करें तो जो संख्या अभाज्य नहीं है वो भाज्य होगी, ठीक है। यानी कंपोजिट संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो संख्या प्राइम नंबर नहीं है, यानी भाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या नहीं है वो भाज्य संख्या होगी। अब यहाँ पर 2 है, 2 क्या है, प्राइम नंबर है यानी अभाज्य है। अगर हम 4 की बात करते हैं तो 4 के अगर हम डिविजिबल देखें तो 1 है, 2 है और 4 खुद है, यानी इसके 3 डिविजिबल हमें मिलेंगे, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा और 4 मिलेगा। जबकि अगर हम प्राइम नंबर बात करें तो प्राइम नंबर्स में केवल 2 ही डिविजिबल होते हैं, जो खुद और जो संख्या है वो खुद और 1। तो इसलिए ये 4 जो है ये प्राइम नंबर ना होकर के ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके जो डिविजिबल हैं वो ज़्यादा हैं, इसको हम ज़्यादा संख्या से डिवाइड कर सकते हैं। को प्राइम नंबर्स ऐसी संख्याएं होती हैं, मतलब ये जो होता है ये 2 संख्याओं के जोड़े में आता है, जैसे 2 और 3, 4 और 5। तो 2 संख्याओं का जो जोड़ा होता है इनके बीच केवल 1 ही डिविजिबल होता है, ठीक, यानी केवल 1 ही संख्या होती है जिससे इन्हें डिवाइड किया जा सकता है। अगर हम बात 4 और 5 की करते हैं तो इसमें केवल 1 ही डिविजिबल है, यानी 1 से केवल इसे भाग दिया जा सकता है और कोई भी संख्या ऐसी नहीं है इनके बीच में जिससे इन्हें भाग दिया जा सके, ठीक है। तो ये बेसिक ये 3 चीज़ें हैं जो इस फंडामेंटल थ्योरम में आपके काम आएंगी। इसके बाद अब हम देखते हैं कि इसके एप्लीकेशन क्या है, क्या इसके प्रयोग हैं, एग्जाम में इससे प्रश्न कैसे आते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से, ठीक है। तो बेसिक अगर हम बात करें तो इसके क्वेश्चन ज़्यादातर HCF और LCM निकालने के लिए आते हैं, या ये पूछेगा कि ये आप इसके प्राइम फैक्टर बताइए, इस टाइप से क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आएंगे। पहले जो है जो ये पहली चीज़ यूक्लिड थी, यूक्लिड से क्वेश्चन, यूक्लिड जो डिवीजन लेमा, इससे क्वेश्चन आते थे, अच्छे क्वेश्चन आते थे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। लेकिन अब इसको चूँकि हटा दिया गया है, जो 30% सिलेबस लेस हुआ है उसमें ये है, तो इसको हटाया गया है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, यानी कम से कम 8 नंबर या 5 नंबर में बड़ा प्रश्न जो है वो आपको यहाँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से मिलेगा। ये जो दो चीज़ें हैं तो ये आप लोग के क्लास 9th की चीज़ें हैं, तो इससे ये माना जा सकता है कि इनका जो है रोल कम होगा, क्योंकि ये 9th की चीज़ें हैं, आप लोगों को दी गई हैं कि आप लोग यहाँ पर केवल इसे सीखें, जानें क्या होता है, आप लोगों का एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। लेकिन ये जो चीज़ है ये नई है और यहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं और बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक 5 या 8 नंबर में। तो हम लोग देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, इसके क्या प्रयोग हैं। ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, इसका यूज कैसे होगा
क्या क्वेश्चन आएंगे ये हम बताने वाले हैं आप लोगों को। देखिए इसका एक प्रयोग जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है आप लोगों के सिलेबस में दिया गया है ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हिंदी में कहें तो यह अभाज्य गुणनखंड विधि है, इसको हिंदी में कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। इससे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इस विधि का प्रयोग करके, इस मेथड का यूज करके आप एलसीएम और एचसीएफ बताइए। आपको नंबर्स दिए जाएंगे जिनका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन विधि क्या होती है इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं जिसके जरिए हम ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है इसका प्रयोग देखेंगे। दो नंबर्स हम लेते हैं, लेट से हमने लिया 65 और 260, ये दो नंबर्स हैं। हम इनका एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले 65 को हम देखते हैं, ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, सीधे 5 से डिवाइड होगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 13, फिर ये 13 चूँकि एक प्राइम नंबर है तो 13 अपने आप से ही कटेगा। तो यहाँ से इसका फैक्टर हमें मिल गया 5 × 13। फिर अगर हम 260 की बात करें तो 260 2 से कटेगा क्योंकि यहाँ पर 0 है, तो ये 2 से कटेगा, ये हमें 130 देगा। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें 65 देगा। फिर हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 13 देगा। 13 प्राइम नंबर है इसीलिए खुद से अपने आप से कटेगा, 1 आ जाएगा। इसके फैक्टर हमें मिलेंगे 2 × 2 × 5 × 13। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं HCF की, HCF की बात करते हैं तो HCF आप लोगों को पता है कि जो दो संख्याएं होती हैं उनमें जो चीज़ें कॉमन होती हैं वही हमारा HCF होती है। तो यहाँ पर देखें 5 और 5 कॉमन है, 13 और 13 कॉमन है। तो यहाँ पर 5 × 13 जो है यानी 65 जो है ये हमारा HCF बन जाएगा। LCM की हम बात करते हैं, LCM जो होता है वो इंक्लूडिंग HCF होता है, यानी जो हमारा HCF आता है उसके अलावा जो भी फैक्टर बचते हैं उन सभी को हम लिख करके एक कंबाइंड फॉर्म बना करके वही उसका LCM लिख देते हैं। सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि हमारे पास 5 × 13 है, ठीक। अब अगर इस नंबर की बात करें तो यहाँ से पूरा पूरा नंबर 5 × 13 हमारा आ चुका है। फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ से हम 5 और 13 ले चुके हैं, 2 × 2 ये हमारा बच गया, ठीक है। तो इसको पूरा हम लिखेंगे तो ये हमारा 260 दे देगा, ये हमारा 260 देगा जो कि इसका एलसीएम हो गया। ये तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का कि हम किस प्रकार से इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। तो आज तक हम लोग यही रखते हैं और आप लोग, ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था जिसमें हमने ये पूरा फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक पढ़ा, क्या इसके यूजेस हैं, उनके एप्लीकेशंस हैं, किस तरह से इस पर क्वेश्चन आएंगे ये हमने कर लिया। अब इस पर एक्सरसाइज प्लस एग्जांपल्स जो हैं वो हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को अगला पार्ट मिल जाएगा जल्द ही। इसके लिए आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में फैलाइए ताकि उनको सही चीज़ें मिल सकें और वो इससे लाभान्वित हों। एक बात और, अभी जो है हम लोग इसमें ये पहला चैप्टर का अभी एक ही टॉपिक है और इसको लेके पूरा अभी हम लोग पूरी मैथमेटिक्स जो है उसकी कंप्लीट मैथमेटिक्स जो आपकी 10th की है वो हम यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। इसके लिए आप लोग चैनल पर हमेशा बने रहिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए। थैंक यू।